हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। यार आइए, जो भी स्टूडेंट सीयूईटी का एग्जाम दिया आपने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो टिल जो है आपको आई थिंक 110 प्लस कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रही है इस बार सीयूईटी में। एंड जो है बहुत सारे स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों की वेबसाइट पे जो आपको विंडो ओपन हो चुका है सीयूईटी का, यानी कि जो है आप वहाँ पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो कि आई एम अप्लाइंग थ्रू द सीयूईटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितने भी हैं, स्पेशली अगर अपन देखें कुछ जामिया वगैरह का, तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे पहले ही ओपन हो गए थे, यानी कि आपने सीयूईटी में अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया था। लेकिन जो अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गया, DU हो गया, BHU हो गया, एंड अदर जितने भी स्टेट के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, वहां पे क्या सारा सीन रहेगा, जैसे ही आपका सीयूईटी का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, यू आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जैसे आपने सीयूईटी के अंदर अप्लाई किया था, मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का जस्ट लाइक इंटीग्रेटेड कोर्स मैथमेटिक्स MSc, या फिर कोई भी आपने जैसे कोर्स सेलेक्ट किया हो स्पेशली थ्रू द एग्जामिनेशन, अगर मैं बात करूँ BTech वगैरह की, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज है जो कि BTech के स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है जोसा के थ्रू लेती है। ओके, कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी जो है एंट्रेंस के बेस पे लेती थी टू द गेट द जस्ट लाइक BTech एडमिशन, अब बहुत सारे कॉलेजों ने BTech बंद कर दिया थ्रू द CUET और वो जो है जोसा के थ्रू ही ले रहे हैं सिर्फ BTech। अगर मैं बात करूँ BTech की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आपको देखने को मिल जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह देखने को मिल जाता है उधर BTech प्रोग्राम। आप इन कॉलेजों को जरूर टारगेट कर सकते हो डायरेक्ट BTech के लिए, जोसा के थ्रू भी लेते हैं, डायरेक्ट भी लेते हैं, इनका आप थोड़ा ध्यान रखो। अगर देखें अपन, तो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बहुत सारी है जिनके अभी विंडो ओपन नहीं हुए हैं, जैसे ही ओपन होते हैं आपको बता दिया जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते? अरे देख क्या रहे भाई, तुम्हें ही बोल रहा हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अरे मैं तुझसे ही बोल रहा सी, ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब करो। फ्यूचर ऑफ इंडिया, आपका फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। ओके, सो अब अपन देखते हैं स्पेशली इन द CUET एग्जामिनेशन। तो यार सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपने जिन भी कॉलेजों को अप्लाई किया इन द CUET, तो आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बना लेनी है कि मैंने ये कॉलेज सेलेक्ट किया था। जैसे आपने CU राजस्थान, CU हरियाणा, DU, BHU, जामिया, डॉट जितने भी कॉलेज सेलेक्ट किए, आपको एक सफ़ेद पेज लेना है, या फिर आपकी जो भी कॉपी रजिस्टर है वो ले लेना है, वहाँ पे आपको पेज के अंदर लिख लेने कि मैंने ये कॉलेज सेलेक्ट किया। अब आपको जो है उन यूनिवर्सिटियों की वेबसाइट पर जाना है, या फिर आपको YouTube पे जाना है कि भैया ने वीडियो डाला कि नहीं डाला। मैं जनरली डाल देता हूँ विद इन द 6 to 7 hours आफ्टर द लाइक जैसे नोटिस डिक्लेयर होता है। ओके, मेरे को और कोई काम नहीं है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई मैंने अब छोड़ दी है, बीटे में कुछ नहीं रहेगा, YouTube में वीडियो बनाऊँ बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिस आता है, कुछ रजिस्ट्रेशन अमाउंट लग सकता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ लेती हैं, बहुत सारी नहीं लेती, आपको 200-300 रुपये देना पड़ेगा। राजस्थान का मैं कह नहीं सकता, वो 1000 रुपये तक लेता है, ठीक है, वो बहुत खतरनाक है। ओके, सो जस्ट वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे जो है अपना जो भी जैसे यार ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस आफ्टर द रिजल्ट होगा, ठीक है, CUET के रिजल्ट के बाद, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और प्राइवेट वालों का तो कहना ही क्या, उन्होंने तो पता नहीं कब का ही ओपन कर रखा है, ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन, जैसे मान लो उन्होंने अभी 31 तारीख रख रखा है, ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेज हैं जो कि CUET पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसे डायरेक्ट ही ले रहे हैं, ठीक है, उन्होंने तो ऐसे अपना बहुत सारे कॉलेजों का एडवर्टाइजमेंट हो गया फ्री कोर्स। मैंने यार एक CUET कॉलेज रियलिटी शो चलाया था, ठीक है, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे कॉलेजों को उखाड़ दिया था, स्पेशली प्राइवेट वाले जो भी थे, तो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा केसेस FIR वगैरह हुई, तो बहुत सारे कॉलेज वीडियोस को जो है मैंने हटा दिया, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा कहना था कि दिस इज वेरी बैड और तुमने जो बोला है वो बहुत गलत है, मैंने जो बोला था वो रियल था, सच था, आई रियली अपोलाइज फॉर दैट कि आपको वीडियो वगैरह हटाने पड़े, आप सभी को पता होगा जो सच होता है उसको हटाने पड़ता है हमेशा, तो बस वही सीन है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं, ठीक है, प्राइवेट जो कॉलेजेज हैं वो ये जरूरी नहीं है कि CUET में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो अच्छे ही होंगे, हालांकि बहुत सारे कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही अच्छे ही होंगे, आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें। आप आफ्टर द जस्ट लाइक चेकिंग द लोकेशन,
एंड जस्ट लाइक चेकिंग द ऑल द डिटेल्स आफ्टर गेट द एडमिशन. ओके, ऐसा नहीं कि सीयूईटी में पार्टिसिपेट करें तो आंख बंद करके एडमिशन ले लिया. इसका बिल्कुल ध्यान रखें, बिकॉज सीयूईटी में ऐसा कोई कुछ नहीं था कि कोई भी पार्टिसिपेट कोई भी करे ना करे. उनका सिंपल था, जिसको सीयूईटी के थ्रू लेना एडमिशन वो जैसा आ जाओ हमारे पास. बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हमने ले कर दिया रजिस्टर. ठीक है, तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें. और तुम्हारे भाई को थोड़ा सब्सक्राइब किया करो यार, तुम्हारे लिए कितने वीडियोस बनाता हूँ, रात को 2-2 बजे तक लगा रहता हूँ. इतने सारे आई थिंक आप सभी को ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने हमारी टीम को कॉल किया हो और हमने रिस्पॉन्स ना किया हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. वैसे हमारे पेड प्लान भी चलते हैं, आजकल हमारा मिशन सीयूईटी एडमिशंस भी चलता है, जिसके अंदर जो आप क्या कर सकते हो, हमारा गारंटेड एडमिशन प्लान ले सकते हो, जिसके अंदर जो 100% एडमिशन कराया जाता है हमारी टीम की तरफ से. अगर आफ्टर और रैंकिंग बेसिस अगर नहीं होता है, एज पर पॉलिसी आपका रिफंड कर दिया जाता है, क्योंकि अगर एडमिशन ही नहीं हुआ तो पैसा किस बात का. और जो है इंजीनियरिंग वाला जैसे या फिर सीयूईटी वाला कि आप कोर्सेज ले सकते हो स्पेशली. ओके, इंजीनियरिंग वाला एक ऐप लॉन्च हो रहा है सीयूईटी के लिए, पीजी एंड यूजी कोर्सेज के लिए. काफ़ी कम जस्ट लाइक रेट के ऊपर आपको जो है, काफ़ी कम प्राइजेज के अंदर आपको जो है सीयूईटी की बेस्ट कोचिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन 2022. ओके, टू करेक्ट द सीयूईटी एग्जामिनेशन. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो, और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करो. थैंक यू.